तुझे चढ़ा हुआ बुखार, समझ रहे? डॉक्टर के पास चलते हैं, तू ठीक हो जाएगा, फिर बात करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फैज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं होश में हूँ। और तू जानता है मैं किसकी वजह से होश में हूँ? नेहल की वजह से। मुझे उसे ढूंढना होगा यार, क्योंकि अगर मैंने उसे नहीं ढूंढा तो मेरे इर्द गिर्द के अंधेरे और भी बढ़ जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। तू मुझसे बात कर, तू मेरी खातिर उसे उसे ढूंढेगा प्लीज। करता हूं कोशिश। कोशिश ना, उसे हर हाल में ढूंढना है फैस। ना मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। मैं क्या सुन रहे हो, कल्ले कल्ले खलोते हो? आई मीन आर यू फ्री टू नाइट? बिल्कुल फ्री। उत्तरी एब्सोल्युटली फॉर यू। उन इंडियन ले भाई, फिर देख तू। नो आई एम नॉट इंडियन, आई एम ब्रिटिश। ब्रिटिश? हां हां। अच्छा जी, नाम क्या है आपका? नाम का क्या करेगा तुम? तुमको नाम से मतलब या काम से मतलब? मेरी जान, हमने भी आज तक कभी किसी का नाम पूछा नहीं, लेकिन आपको देख के ऐसे दिल कर रहा है कि नाम पूछ लें। क्या पता इस दिल पे आपका नाम छप जाए। नेल, नेल जोन्स अब्राहम। उर्दू कहाँ से सीखी आपने? तुम जैसा कस्टमर्स वास्ता सीखी। ओ जी ओ शहजादी, दिल खुश कीता जे। तुझे पता नहीं है, ये गोरियों के साथ ना अंग्रेजी बोल बोल के मुंह टेढ़ा हो जाता है और पूरी बात भी नहीं समझा सकते जो हम कहना चाह रहे होते हैं। आपके साथ कम से कम कम्युनिकेशन गैप तो नहीं होगा कोई है? Right. So, फिर चलिए। Wallet depends on your wallet. उसकी फिक्र ना करो, इतना ख्याल तो हम करेंगे, आखिर हम जबान हैं। चलिए, आफ्टर यू। ओए लॉटरी निकल गई। क्यों है दिल ये दिया रे ए खुदा, उस पे दर्द की छाई ये घटा करके घाय। तू हमेशा मुझसे पूछता था ना फैज कि ये सब बातें मुझे कौन बताता है। हमेशा टाल जाता था मैं, कभी कभी झूठ बोलता था तुमसे। सब नेल बताती थी यार, इतनी अजीब बात है ना यार। मतलब जिन जिन बातों के बारे में मैं जानना तो दूर की बात, कभी सोचना भी नहीं चाहता था। वो मुझसे उसके बारे में सवाल पूछती थी, उसने मुझे बताया कि शराब हराम होती। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अल्लाह को जानता हूं। उसने मुझे बताया कि रमजान शुरू हो गया फैज। मुझे देख, मैं अब्दुल कादिर सिद्दीकी,
मुसलमान माँ बाप की औलाद, एक मुसलमान माशरे में परवान चढ़ा सिर्फ नाम का मुसलमान। जिसे ना तो उसके सवालों के जवाब देने आते थे और ना ही उन सवालों को सही या गलत के पैमानों पर परखना आता। हैरत की बात, कसम में बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि जिस नेल को हैरत की बात है फैस, कि जिस नेल को मैं जानता था वो जो कुछ जानती थी वो मैं क्यों नहीं जानता। कितने दिन वो मेरे अपार्टमेंट में रही, मुझसे तरह तरह के सवाल पूछती थी यार, वो कभी कभी मेरे मुतालिक, कभी कभी दीन के मुतालिक, और मैं पहली बार उसकी तरफ मायल हुआ तो वो भी तब जब तूने मुझे उसके माजी के बारे में बताया। कितना गलीज, कितनी गलाजत थी मेरे अंदर, कितनी गंदगी थी मेरे अंदर यार, उसके इर्द गिर्द की रोशनी नहीं देख पाया। देखा भी तो उसका वो अंधेरा और उसे दोबारा उन्हीं अंधेरों में ले जाना चाहा मैंने। कितना गिरा हुआ इंसान, कितना गिर गया मैं फिर। उसे कौन दे यार, मेरी खातिर, मेरी जिंदगी की खातिर। उसके वो लफ्ज, वो जुमले आज तक मेरे जहन में घूमते हैं, मैं सो नहीं पा। मेरे जमीर एक बोझ है, वो बोझ सिर्फ वो कम कर सकती, सिर्फ वो कम कर सकती। हेलो, क्या बात है हनी, तबीयत खराब है? ठीक हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज से तो ऐसा नहीं लग रहा। डिड यू कैच अ कोल्ड? अरे कहाँ, अब मैं ठीक। तुम रो रहे हो? जी मैं रो रहा हूँ। क्यों, किसी ने कुछ कह दिया है क्या? जी ओफ अब्दुल कादिर, तुम कब बड़े होगे? किसी ने कुछ कह दिया तो इसमें रोने वाली क्या बात है? बिहेव योर एज। आई एम सॉरी मामा, काफी दिनों के बाद आपकी आवाज सुन रहा हूं, शायद इसलिए। माय गॉड, यू आर सो सिली। अपने आप को मजबूत बनाओ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम छोटी छोटी बात पर टसवे बहाने लग जाते हो। क्यों रोते हो इतनी फजूल बातों पर? मेरा
तो बस मुझसे खफा हो गया, वो मुझसे नाराज है। तुम्हारा दोस्त वही इडियट फैज रसूल। अच्छा हुआ वो तुमसे खफा हो गया, तुमने तो उसकी जान छोड़नी नहीं थी, वही तुमसे नाराज हो जाए तो अच्छा है। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये छोटे लोग इस काबिल नहीं होते कि इनसे दोस्ती की जाए, औकात से बाहर हो जाते हैं, समझाया था ना, पता चला। छोटे लोगों की सोच छोटी हो। की हाल है बुजुर्गो? What did you say? ओ यार छड्डो, मैं की किया, मैं ते अल्लाह दी कसम जदों दा इस मुल्क च आया ना, मैनूं बड़ी परेशानी, कसम खुदा दी, अजीब किस्म दे लोग ने इत्थे, ये जितने भी लोग हैं इनको कोई इज्जत ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है अपने बुजुर्गों की। अपने बुजुर्गों को जाके या तो स्टोर में बंद कर देते हैं या फिर उसके अलावा किसी ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं। वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। साडे मुल्क च मैं दसना की होंदा, हमारे मुल्क में ना बुजुर्गों के बड़े मजे हैं, बहुत। हम लोग ना उनको बिल्कुल ऐसे अंडों की तरह रखते हैं, जैसे टोकरी में अंडे नहीं रखते, यू नो एग्स, हैन मुर्गी तो अंडे, क्योंकि अंडे बड़े नाजुक होते हैं, जरा सा भी झटका लगे ना तो अंडे टूट जाते हैं। तो बुजुर्ग इज एग्जैक्टली लाइक अंडाज। आपको देख के मुझे अबा जी की याद आ गई, आप ही की उम्र के होंगे, मुझे बदनसीब को देखें, उन्हें वहां पे छोड़ के मैं खुद यहाँ आ गया, पता नहीं किस हाल में होंगे। इतना बड़ा किया उन्होंने मुझे और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। खैर, वेयर इज द ओल्ड हाउस? जस्ट राइट देयर। देयर देयर। ओके, थैंक यू। जिंदे रहो, खुश रहो, हैं जी, जिंदे रहो। साया जो तुझसे जुड़ा, मुझसे जुदा है खुदा, तू तो मालिक है मेरा, सुनता है सब ही की तू सदा। हमने तुमको कभी प्रे करते हुए नहीं देखा, अपने गॉड के सामने कभी इबादत करते हुए नहीं देखा। तुम ओ जी, मैं नील का क्या पूछते? ओ जी माई, वो दरअसल में ना मैंने उसका उधार देना है, तो इसलिए मैं उससे मिलना चाह रहा था। मैं भी उधार देना मोहब्बत का, खिदमत का। ओ जी, नील ने माई कभी जिक्र नहीं किया आपका कि आप साथ रहती हैं उसके? काम पहले कब उसके साथ रहता था? हम तो बहुत बरसों बाद मिला, वो हमको तलाश किया, हमको ओल्ड होम से अपने साथ ले गया। पर मैं हमेशा उसको बहुत परेशान किया, आपको वापस छोड़ो, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम उधर बहुत खुश था। एक्चुअली हम उसकी बातों से बहुत तंग होता था, आई डोंट नो कि उसको क्या हो गया था, जस्ट डोंट नो। आप नेल से तंग आकर इधर आ गए हो? मैं वापस यहां, पता नहीं मैं यहाँ कैसे, I don't know। नेल आपको यहाँ पे छोड़ के गई होगी फिर? नेल? हमको? नहीं,
वो तो हमको अपने साथ रखना मांगता था। वो हमारा माँ था और हम उसका बेटी, माँ की तरह हमको संभालता था। बोलता था, मम्मी तुम विस्की मत पियो, मम्मी तुम गॉड से माफी मांगो, गॉड तुमको माफ करेगा। बोलता था, मम तुमने अपने मम्मी का बात क्यों नहीं माना, क्यों हमारे पापा से शादी किया? I don't know. कब इतना बदल गया? I don't know. Do you know? मैं बहुत बुरी बेटी हूँ, very bad. मैं अपना माँ बाप को बहुत दुख दिया, अपना दो दिन की मोहब्बत के खातिर, अपने माँ बाप का बरसों का मोहब्बत में भुला दिया। मेरा माँ बाप मुझको बोला, लोग शिर्क और तौहीद इकट्ठा नहीं रह सकता, तुम्हारा ये दुनिया तुम्हारा वो दुनिया हेल बन जाएगा, तुम बर्बाद हो जाएगा। आपको बहुत समझाया पर आप नहीं माना। You know, I was in love. I married Jones. जब हमारा बर्बादी शुरू हो गया, आप जानती हैं नेल कहाँ है? हाँ, फिर नेल पैदा हुआ, एक मुस्लिम माँ का नॉन मुस्लिम बेटी। Isn't it a strange thing? अजीब बात है ना? Nell, Jones, Abraham. वो जोन्स का बेटी था, हमारा बेटी नहीं था। शुरू शुरू, trust me, मैं बहुत कोशिश किया अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए। I tried my best. अजी माँ जी, नेल अब कहाँ है? मैं जिस दलदल में फंस चुकी थी, उसने अपने आप को निकाल लिया। वो क्या बन चुकी थी और अब वो क्या बन गए? मेरा ये दिमाग, मेरा ये आंखों का रोशनी उसका अच्छाई पहचान नहीं सका। लेकिन उसमें इतना चेंज आया कैसे? कौन है तुम? वही मैं। तुम ये सब क्यों पूछते? मैंने बताया था ना अभी, मैंने कर्ज चुकाना है उसका। तो उसके पास जाओ, यहाँ क्या करता है? यही तो पूछ रहा हूँ माँ जी कि किधर है ये वो? हमको नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। सिंधा के मर गया, बीमार था, मर क्या होगा? But you go! हमको तुम क्यों तंग करता? तुम उधार देना, तुम जाओ उसके पास, जाओ! What are you sitting for? चलो जाओ! Get up, go! Leave me alone! Go, man! Huh?
him. Allah aur uske rasool ke waaste humko jaane do. Allah aur uske rasool ke waaste humko jaane do. हाँ फैस बोलो। क्या कहाँ है वो? कहाँ है वो फैस? फैस कहाँ है वो? कुछ बोल क्यों नहीं रहा तू? क्या हुआ उसे? क्या क्या हुआ क्या है उसे? एड्स। डॉक्टर ने कहा है एड्स। मर रही है फैस, वो सब कुछ जाने बगैर जो वो जानना चाहती थी मुझे माफ किए बगैर शी इज डाइंग और मैं कुछ नहीं कर पा रहा है यार। पछाड़ने में गलती कर दी उसे यार। सिर्फ तूने नहीं यार, ये गलती मुझसे भी हुई। तुझसे बड़ा मुजरिम मैं हूं फैज, क्योंकि क्योंकि तूने उसे सिर्फ इसलिए इस तरह कहा क्योंकि तू उसके माजी के बारे में जानता था और मैंने सिर्फ तेरी बातों की रोशनी में उसे परखा। बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे यार। गुनाह तुझसे नहीं यार, मुझसे हुआ है। क्या समझ रहा था मैं उसे? और मैं उसकी माँ से मिला हूं, वो तो ये बदी का रास्ता बहुत पहले छोड़ चुकी थी, तो हिदायत और रोशनी का रास्ता तलाश कर रही थी। और उसे अल्लाह ने मिलाया भी तो किन लोगों से जो खुद खुद भलाई के रास्ते से भटक चुके हैं। She deserved better. वो किसी मोहब्बत करने वाले, किसी चाहने वाले शख्स को डिजर्व करती थी, नॉट मी यार। अल्लाह ने मिला दिया था उसे ऐसे शख्स से और उसे मैंने गुमराह कर दिया। कौन? तू है क्यों? और कौन? मेरी मोहब्बत में ये सब कुछ कह रहा है फैस, वरना मैं कितना गुनहगार हूं मैं जानता हूं। तू ऐसा नहीं है, मैं हमेशा तुझे देखता था ना, तू यही सोचता था कि जैसा तू नजर आता है ना वैसा है नहीं। There is something about you. तू हम सबसे मुख्तलिफ है और तू ही वो आदमी है जो नल को उसका रास्ता दिखा सकता है। वो मुझे माफ कर देगी फैज। पागला, सच्चे दिल से माफी मांगो ना तो अल्लाह भी माफ कर देता है। लेकिन मेरी जान, उसको असल रास्ता दिखाने से पहले
तुझे अपनी मंजिल को खोजना होगा। بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے پر چلانا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا فضل و کرم نازل کیا، نہ ان کے جن پر غصہ ہوتا رہا، اور نہ ان گمراہوں کے۔ یا اللہ، مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا۔ مجھے ہدایت کا راستہ۔ کیسی ہو نیل؟ بہت تلاش کیا تمہیں۔ کیا؟ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں نیل۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے جو کچھ بھی کیا تمہارے ساتھ۔ ہم نے تم کو معاف کر دیا تھا، یہ کیوں؟ سے بات کی ہے میں نے، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تمام سے جھوٹ مت بولا، ہم جانتا ہے کہ ہم مر جائے گا۔ نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا، یو بی فائن۔ تم ہم کے جانے کے بعد اللہ سے دعا مانگنا کہ وہ ہم کو معاف کر دے۔
अल्लाह तुम्हें जरूर माफ कर देगा, मेरा जरूर माफ कर देगा। क्या तुम मुझे दिल से माफ कर सकती हो? अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो शायद मुझे अल्लाह भी कभी माफ नहीं करे। हम बोला ना, हमने तुमको माफ कर दिया। I forgive you। सच? अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं I want to look after you। हम नहीं जा सकता है, क्यों? हमके पास अब टाइम नहीं है। हम पहले कुछ भी नहीं जानता था और हमने अपने आप को अंधेरे में डाल दिया। मैं तुम्हारे लिए रोशनियां लेकर आना चाहता हूँ। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। कल जब मैं बाहर से जख्मी था तो तुमने मेरी मदद की थी, और आज मैं अंदर से जख्मी हूं। आज भी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हें कभी सेहतयाब नहीं हो पाऊंगा। Sorry, I can't come with you. I can't. लुट गए हैं मेरे अरमान, क्यों है दिल ये दिया रे ऐ खुदा, उस पे दर्द की छाई ये घटा, घायल तेरे दिल मुझे लुट गए। जाएगी यार, थोड़ा वक्त दे उसे। वक्त ही तो नहीं है उसके पास। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, फैज़ अगर वो ऐसे ही चली गई तो ये गिल्ट मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं इस हसियत से कभी छुटकारा नहीं पा पाऊंगा।
फैज मैम, मैं उसके सारे सवालों के जवाब तलाश करना चाहता हूं, उसकी सारी उम्मीदें पूरी करना चाहता हूं। मैं उन लम्हों की कीमत अदा करना चाहता हूं जो मेरी गफलत की वजह से मेरे हाथों की गिरफ्त से निकल गए। फैज, थोड़ा टाइम दे उसे यार। देख, अगर तू उसके साथ कोई जबरदस्ती करेगा ना, तो तू उसे उस तकलीफ से बाहर नहीं निकालेगा, बल्कि उसे और तकलीफ देगा। मैं भी तो तकलीफ में हूं फैज, दोहरी अजियत में हूं, और ये अजियत सिर्फ नैल खत्म कर सकती है। जानते हो, उसके उस एक फिक्रे से आज भी मेरी जान लरस जाती। उसकी दर्द भरी आवाज कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते छोड़ दो, वो मुझसे भीख मांग रही थी फैज। और आज मैं उसके दरवाजे पर खाली हाथ खड़ा हूं, भिखारी की माने। तो उसे समझाओ कि मेरे साथ वो ना करे जो मैंने उसके साथ किया था। तू संभाल अपने आप को, हैं? दिल कहता है मेरा और मान जाएगी वो इंशाल्लाह। बस तुझसे मांगूं ये